वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं 22 तारीख को मुजफ्फरनगर एग्ज़ाम देने गया था, ठीक है। मेरी 3 से 5 की शिफ्ट थी और मुजफ्फरनगर के लिए सीधी मुरादाबाद से बस नहीं थी, तो या तो वाया बिजनौर या फिर मेरठ होके जाना था। उसी दिन मेरे को ब्रजघाट भी जाना था, तो मैं सुबह 4 बजे घर से निकला ठंड के मौसम में। उसके बाद जब ब्रजघाट पहुँचा और जो गंगा जी में डुबकी लगाई, आए हाय क्या रोंगटे खड़े हुए, सिर्फ 3 डुबकी लगा पाया उसके, तो उससे ज़्यादा मेरी हिम्मत ही नहीं हुई डुबकी लगाने की। तो फिर मैं 5-6 बजे तक करीब वहाँ से निपटा। उसके बाद फिर मैं मेरठ के लिए बस मिली मेरे को, ठीक। उस दिन ये लगा लो जब ब्रजघाट के बाद चला हूँ ना, पूरे दिन चलता ही रहूँ, इतनी बस, मतलब मेरे घर से मुजफ्फरनगर मुश्किल 160-170 किलोमीटर है, और उसमें मैंने 5-6 बस बदली हैं। मुरादाबाद से ब्रजघाट पहली बस, ब्रजघाट से मेरठ दूसरी बस, उसके बाद फिर ऑटो करा दूसरे बस स्टैंड पे गया, ठीक है, मेरठ में। उसके बाद फिर वहाँ से मुजफ्फरनगर की बस पकड़ी मैंने मेरठ से, तो तीसरी बस हो गई। उसके बाद फिर वापसी में मैंने सोचा ट्रेन से आते हैं, मगर ट्रेन से भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी एग्ज़ाम की कि यार ट्रेन से तो क्या ही आते। उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर से सोचा कि मुरादाबाद की या बिजनौर की कहीं की बस मिल जाए, नहीं मिली। तो अगर बिजनौर की मिल भी रही थी तो फिर वहाँ पता लगी कि बिजनौर की बस मिल तो जाएगी, मगर फिर बिजनौर से मुरादाबाद की नहीं मिलेगी रात में 8-9 बजे के बाद। जब मैं मुजफ्फरनगर से चला तो करीब 6 बज रहे थे शाम के, और वहाँ से करीब आधा पौन घंटा लगता या 1 घंटा बिजनौर तक आने का, मगर फिर पता वहाँ पे ये लगा कि बिजनौर से मुरादाबाद की बस नहीं मिलेगी 7-8 बजे के बाद, और उस दिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी एग्ज़ाम की वजह से। तो मुजफ्फरनगर से मेरठ की जैसे तैसे बस मिली, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब उसके बाद मेरठ तक तो आ गए, अब मेरठ से ना कोई सीधी ट्रेन मुरादाबाद के लिए, जो ट्रेन थी वो निकल चुकी थी, ठीक है, और ट्रेन में वैसे भी जगह नहीं होती, उसके अलावा कोई ट्रेन नहीं थी। और वहाँ मेरठ में मुरादाबाद की बस नहीं, 3 बस खड़ी थी, तीनों फुल, ऐसे जैसे ट्रेन का जिनमें जैसे जनरल डिब्बा होता है उस तरीके से, उससे भी ज़्यादा भीड़ थी रोडवेज के अंदर, तो उन 3 में जगह नहीं मिली। उसके बाद फिर AC बस थी, उसका पता नहीं क्या हुआ, उसकी बुकिंग फुल थी, उसमें भी जगह नहीं थी। उसके बाद एक हरिद्वार ऋषिकेश की बस आई, हरिद्वार तो कोई जा ही नहीं रहा, 10-5 जो लोग जा रहे होंगे, उसके अलावा बस तो खाली रहती। इत्तेफाक की बात, वो कंडक्टर जो उस बस का था उसकी बजाय कोई दूसरा कंडक्टर आके बोला ये बस मुरादाबाद जाएगी, और सारी भीड़ उस बस में लपक ली। तो बस ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे सीट मिल गई बैठने की, वरना मैं कहाँ उस बस में जाता, अकेला मैं वैसे था, तो सीट मिल गई। तो मैंने कहा यार सीट अगर मिल रही है तो जाएंगे इससे, नहीं जाएंगे तो फिर अपने और 2-3-4 घंटे इंतज़ार करते हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, घर ही तो जाना है, अब तो एग्ज़ाम तो छूटेगा नहीं। तो होते होते फिर क्या हुआ, बस चल पड़ी, बस जो है रोडवेज के पीछे पेट्रोल का पड़वाने गई, तो बस करीबन 1.5 से 1 घंटे वहाँ खड़ी रही। मैंने कहा यार, मैंने कि जो दूसरा कंडक्टर था बस वाला, मतलब जो दूसरी बस का कंडक्टर आया था इस वाली बस में ये बताने कि ये बस मुरादाबाद जाएगी, मैंने ये तो पक्का नहीं जाएगी, वो बेवकूफ बना के चला गया। लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। अब और थोड़ा इंतज़ार कर, ड्राइवर आया एक बार, उसने बस स्टार्ट करी, थोड़ी सी चली 10-5 कदम उसके बस स्टैंड के अंदर ही अंदर, तो फिर उतर के चला गया 15-20 मिनट के लिए। अब जब वो अगली बार आया, तब जब कंडक्टर ने टिकट काटने शुरू करे लोगों के, तब जान में जान आई कि हाँ हम वाकई में अपने घर मुरादाबाद जा रहे हैं। तो मैं सुबह 4 बजे निकला 11 बजे घर में घुसा, केवल 100 से 150 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं था यार, 200 किलोमीटर भी नहीं है, उसमें 5 बस बदलना, अरे भाई साहब सड़ से ऊँची बात है बिल्कुल यार। बताओ जरा सा एग्ज़ाम था, इतनी भीड़। और इससे पहले मैं 2-3 साल पहले मैं एक एग्ज़ाम देखा था लेखपाल का, वो ट्रेन से गया था, लखनऊ था मेरा सेंटर, अरे उसमें ऐसी भीड़ थी जो इलाहाबाद के कुंभ में भी शायद ना होती, इतना हर स्टेशन फुल, हर प्लेटफॉर्म फुल, हर ट्रेन बस गाड़ी सब फुल, इतनी ज़्यादा वैकेंसी तो खैर जो उसमें थी, मगर इतने बच्चे कैंडिडेट थे उसमें कि हद से ज़्यादा लोगों ने भीड़ बढ़ा दी उसमें। ऐसे सेम उसमें हुआ था, अब देखते हैं क्या होता है। मुजफ्फर जाने का रिजल्ट पॉजिटिव आता है नहीं आता, वैसे सोच तो यार वही पॉजिटिव आए, बाकी ऊपर वाले की इच्छा। और एक वीडियो कल को भी आएगी, ठीक है, आज है 25 तारीख। तो भाई लोगों, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैरी क्रिसमस, और न्यू ईयर तो आने वाला है, न्यू ईयर की तो ट्रैवलिंग की तैयारी चली रही है, ठीक है, अब थोड़ी सी पैकिंग शैकिंग कर लेते हैं और मिलते हैं कल को एक और वीडियो के साथ। See you in the next video, bye.